रोटेशनल इक्विलिब्रियम और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले तो फोर्थ चैप्टर में आ जाओ। अगर मैं बोलता हूँ इक्विलिब्रियम क्या होता है तो आप मुझे बोलेंगे नेट फोर्स जब बॉडी पे क्या करती है जीरो, उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है तो आप मुझे बोलेंगे नेट फोर्स की जगह टॉर्क जीरो। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जब सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो है, ना बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। और फिर ये कौन सा इक्विलिब्रियम था, इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। जो हमने पहले पढ़ा था वो ट्रांसलेशन मोशन थी, तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम था। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर सपोज करो कुछ ऐसे गिवन है, ये मास मान लो m1 है, ये मास मान लो m2 है और ये इनका सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है। देखो एक ना झूला है वो सीसो, ये ऊपर नीचे हो सकता है पर ये हो नहीं रहा, बिल्कुल टिका हुआ है, एक भारी बंदा है एक हल्का बंदा है पर बिल्कुल टिका हुआ है। हमने इनको इक्वल डिस्टेंस पे रखा ही नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों मासेस बराबर होते फिर ये इक्वल डिस्टेंट होते अबाउट इट सेंटर ऑफ मास ताकि ये टिके रहें, लेकिन ये अनइक्वल है तो मेरे को एक्स वन एक्स टू पर रखना पड़ा। अब ये बताओ कि जब ये घूमेगा तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा तो ये इसका क्या माना जाएगा एक्सिस, तो ये कितनी फोर्स लगाएगा एम वन जी, ये कितनी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ एम टू जी। तो M1G कितना टॉर्क जनरेट करेगा, M1G इंटू एक्स वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और M2G कितना टॉर्क जनरेट करेगा M2G इंटू एक्स टू। ये वेट कैसे घुमाएगा इसे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये भारी हुआ तो नीचे गिरेगा, नीचे गिरने का मतलब पूरा सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और ये इसे कैसे घुमाएगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पर अगर ये घूम नहीं रहा ना एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज तो नेट टॉर्क इसका मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बराबर है। तो यहां से जी कैंसिल, मतलब एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम टू इंटू एक्स टू। तो ये तो हमने पहले भी लास्ट टाइम किया था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर इक्विलिब्रियम है और अगर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा तो एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम टू एक्स टू। तो पॉइंट समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम रोटेशनल का मतलब क्या होता है, ना ये क्लॉकवाइज घूमे ना ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, क्लियर है। और कैसे बनाया रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मैंने क्लॉकवाइज टॉर्क निकाला, मैंने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया और रोटेशनल इक्विलिब्रियम बन गया, क्लियर है यहां तक। तो ये आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ठीक, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर ये एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया, सेम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर ये भी एग्जांपल हो चुका है, एक एग्जांपल करेंगे और देखते हैं कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम होती कैसे है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक, सिचुएशन समझो, ध्यान से समझना। सपोज एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड को आपने दो नाइफ दो चाकू की नोक पे टिका के रखा हुआ है, ऐसे ऐसे टिका के रखा हुआ है, अब चाकू तो मैं तो टिका नहीं सकता, तो ऐसे टिका के रखा हुआ है कि टेढ़ा भी नहीं हो रहा, टेढ़ा हो गया तो रोटेशन इक्विलिब्रियम खराब हो गया, बिल्कुल स्टेशनरी है, ना ये ऊपर जा रहे हैं ना ये नीचे जा रहा है, ना ये लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, और ना ये ऐसे घूम पा रहा है, क्योंकि अगर मैंने फोर्स ज़्यादा कम लगा दी तो ये घूमना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल रेस्ट पे है और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन में रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडीज गिवन होती हैं, गिवन होती हैं, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो ये सिस्टम ऐसे है, तो इसके अंदर ये नाइफ है, इस नाइफ ने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाई एन वन, इस नाइफ ने फोर्स लगाई एन टू, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, रॉड का खुद का वेट है फोर जी, तो ये सेंटर ऑफ मास पे लगा हुआ है फोर जी, मैंने एक्स्ट्रा वेट लगा दिया इस पे सिक्स जी, मैंने कुछ टांग दिया सिक्स जी, और इस 6G का सेंटर ऑफ मास, ये जो N1 है इसकी दूरी सेंटर ऑफ मास से 25 सेंटीमीटर है और N2 की दूरी सेंटर ऑफ मास से 35 सेंटीमीटर है और इनकी दूरी 5 सेंटीमीटर है, ये सब कुछ गिवन है।
आपको एन वन एन टू निकालना, ये क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो देखो एक पॉइंट को समझो, इसके ना ये देखने में मुश्किल है, दो मिनट का काम है, इसमें कुछ करना नहीं है। ना ये रॉड ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है, ना लेफ्ट जा रही है, ना राइट जा रही है। दो किस्म के इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में भी है और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स और लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स। तो बोलो ऊपर की फोर्सेज कौन सी हैं? एन वन प्लस एन टू। नीचे की फोर्सेज कौन सी हैं? 6g और 4g। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, एन वन प्लस एन टू किसके इक्वल है? 6g और 4g। तो अभी कौन सा इक्विलिब्रियम बना है? ट्रांसलेशन। अब हम बनाएंगे कौन सा इक्विलिब्रियम? रोटेशनल। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में फोर्स की जगह कॉन्सेप्ट किसका लिया जाता है? टॉर्क का। मुझे सिर्फ ये बताओ, अब ये ध्यान से देखना है, आपने पहली बार कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लो। अगर ये इक्विलिब्रियम खराब हुआ तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा ये। मुझे आंसर दो, एन वन कितना टॉर्क जनरेट करेगा? एन वन फोर्स, एन वन फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना है? 25। तो एन वन इंटू 25 टॉर्क जनरेट करेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6g कितना टॉर्क जनरेट करेगा? 6g इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 5। वो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, बाद में डिस्कस करते हैं। तो 6g इंटू 5 क्लियर है। नेक्स्ट, 4g कितना टॉर्क जनरेट करेगा? 0, क्योंकि इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 0। ये तो खुद एक्सिस पे काम कर रहा है, टॉर्क 0, छोड़ दो। नेक्स्ट, n2 कितना टॉर्क जनरेट करेगा? n2 इंटू 35। आपने सभी माइनस की जरूरत नहीं है, एक मिनट, मैग्नीट्यूड फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहां तक क्लियर है? सारे टॉर्क आ गए आपके पास। अब ये डिसाइड करते हैं कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉकवाइज। बताओ अगर मैं नाइफ पे फोर्स यहां लगा दूं तो ये कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। तो n1 का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, n2 पे अगर मैं फोर्स लगा दूं तो एंटी क्लॉकवाइज। 6g अगर ज्यादा हो गया तो यहां भार बढ़ गया तो रॉड ऐसे घूमेगी, क्लॉकवाइज, ओ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये घुमा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब n1 घुमा रहा है क्लॉकवाइज, 6g और n2 कैसे घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो n1 का टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल टू इन दोनों का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इक्वेट कर दिया। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो पहली इक्वेशन में ये वेरिएबल n1 n2 के वेरिएबल हैं, ये रहे। दूसरी एक और इक्वेशन n1 n2 वेरिएबल है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके n1 n2 निकाल देना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है? पहले बनाना है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और फिर टॉर्क निकालने हैं, फिर ये देखना है कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है, फिर क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आंसर।